बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने आज के जो पेपर था पेस्को का, उसके एमसीक्यूज को हमने डिस्कस करना है। आज की इस वीडियो में हमने इस पेपर को फुल सॉल्व करना है। ये जो आंसर है ये 100% करेक्ट आंसर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पेपर के लिए जो एमसीक्यूज पिक किए थे उसका जो सोर्स था वो ज़्यादातर एग्जाम वेड़ा से कुछ एम सी क्यूज पिक किए गए थे, ग्रेप स्टडी से कुछ एम सी क्यूज पिक किए गए थे। और लाइक एम सी क्यूज काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आ गए थे, थोड़ा सा मुश्किल था। और दूसरी बात ये है कि पेपर में जो एम सी क्यूज की जो रेशो है वो उस तरह नहीं रखी गई थी जिस तरह उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया था। लाइक यहाँ पे आप देख लो तो मैनेजमेंट से कोई ख़ास सवाल नहीं आए थे, और जो बाकी हैं उससे भी कम्युनिकेशन से उन्होंने एमसीक्यूज को पिक किए गए थे, जो कि नहीं होने चाहिए था क्योंकि ये उसमें सिलेबस में भी इंक्लूड था और ये पोस्ट जो था ये पावर से रिलेटेड था। तो इनको ये एमसीक्यू जो कम्युनिकेशन से पिक किए गए थे उनको उन्होंने नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इनसे बात भी करूँगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मैं आप सबको अपडेट करते जाऊँगा। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। एमसीक्यू नंबर वन, ए सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए सेमी कंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये मैंने अपने बाकी लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं, लाइक इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज। एमसीक्यू नंबर थ्री, ए ट्रांजिस्टर हैज डैश जंक्शन, ए ट्रांजिस्टर हैज टू पी एन जंक्शन, ओके वो एन पी एन होगा या पी एन पी होगा, तो इसमें हमारे पास टू जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में। एमसीक्यू नंबर फोर, द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज, दैट इज करेक्टर, ओके ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यू नंबर फाइव, द बाइनरी नंबर विच इज इररिलेवेंट एमसीक्यूज, ये नहीं होना चाहिए था। 10101 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर, जिसमें फर्स्ट जो होता है वो 1 2 4 8 16 के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे जाना है। तो 1 इज एक्ट टू, तो 1 को आपने लिखना है। 4 इज एक्ट टू, तो 5 हो गए 16, तो 16 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 21। सो इन दिस एमसीक्यूज ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 21। एमसीक्यू नंबर 6, ए वोल्टमीटर शुड हैव डैश रेजिस्टेंस, 0 वेरी हाई, वेरी लो, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास वेरी हाई दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वोल्टमीटर जब भी आप कनेक्ट कर लेते हो सर्किट में तो हमारी डिमांड ये होती है कि उसमें कोई करंट फ्लो ना हो, तो उसकी रेजिस्टेंस हम हाई रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 7, इफ चोटिंग एंड एंगल फॉर फंडामेंटल फ्लक्स वेव इज ए, इट्स वैल्यू फॉर फिफ्थ हार्मोनिक इज। सो आई थिंक ये एमसीक्यू जो है ये कम्युनिकेशन साइड से पिक किया गया है, सो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 5A। एमसीक्यू नंबर 8, टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग इन पैरेलल, इफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ द अल्टरनेटर्स इज चेंज, दे विल रिजल्ट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, बैक EMF जनरेटिंग जनरेटेड वोल्टेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। शायद ज़्यादातर लोगों ने इसमें ऑल ऑफ द अबव को करेक्ट किया होगा, इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास जनरेटर में बैक EMF नहीं होता। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसी वजह से हम ड्राइविंग फोर्स को चेंज नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी पर चेंज हो जाती है, क्योंकि वो स्पीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 9, कंटिन्यूस इक्वेशन ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न विल, लाइक अगर आप गाड़ी की जो हॉर्न है उसको आप कंटिन्यूसली ऑपरेट करो, लाइक कंटिन्यूसली ऑन रख लो, तो उससे क्या होगा, हेल्प इन चार्जिंग द बैटरी, नो ये हेल्प नहीं करता। इम्प्रूव मिलेज, डैमेज द ऑपरेटिंग कॉयल, चेंज द टोन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, डैमेज द ऑपरेटिंग कॉयल। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, द ट्राइगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर ए कम्प्लेक्स वेव विल कंटेन पॉजिटिव कोसाइन ट्रांस ओनली व्हेन इट्स कंटेन इवन हार्मोनिक, इट्स टू हाफ साइकिल आर सिमेट्रिकल, इट्स वैल्यू इज जीरो एट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज नॉट जीरो, थीटा इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, थ्री एन डिवाइड बाई टू एक्सेट्रा, इट्स वैल्यू इज जीरो एट थीटा इज इक्वल टू एन टू एन एक्सेट्रा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, इफ थीटा इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, थ्री एन डिवाइड बाई टू एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 11, इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ द लोड करंट इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज द सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डिक्रीज, लाइक इफ यू इंक्रीज द
load current and the output voltage will get decrease in an unregulated power supply. Okay, next MCQ number 12, that is commercial power supplies have voltage regulation of 10%, 15%, 25% within 1%. So इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी विद इन 1%, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन मैंने पहले भी वीडियोज में डिस्कस किए हैं कि इसको आपने यू विल कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम होगा तो उतना बेस्ट होगा, तो विद इन 1% दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, एमसीक्यू नंबर 13, एट्राइक इज ए डैश डिवाइस, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, मैकेनिकल, नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें हमारे पास एट्राइक इज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस. MCQ number 14, a track has dash semiconductor layer, 3, 2, 4, none of the above. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, दैट इज 3 semiconducting layer. ओके, a track has 3 semiconducting layer. MCQ number 15, that is an ammeter should have dash resistance, infinite, very low, very large, very low, none of the above. तो इसमें हमारे पास very low होना चाहिए, क्योंकि ammeter हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जितना resistance का कम होगा तो उतना draw भी इसमें कम होगा, तो ये हमारे पास इसमें very low will be your correct answer. MCQ number 16, at lagging load, the armature reaction in an alternator is cross magnetizing, demagnetizing, non-effective magnetizing. तो इसमें हमारे पास जो correct option है that is demagnetizing. At lagging load, armature reaction in an alternator is demagnetizing. Okay, MCQ number 17, that is in an alternator, if the winding is short pitch by 50 electrical degree, its pitch factor will be 1.86.75.906. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 0.906, ऑप्शन डी. MCQ नंबर 18, मोटर प्रेफर्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर मिल इज डीसी सीरीज मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, डीसी शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिलेक्टेंस मोटर. MCQ number 18, that is quadrilateral speed time curve is the closer approximation for main line service, urban and suburban service. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस. MCQ number 20, that is for measuring positive, negative and zero sequence voltage in a system, its reference is taken as neutral of the system only, ground only, for zero sequence neutral and for positive and negative the ground, none of the above. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है that is none of the above. MCQ number 21, differential relay are installed to protect the equipment against reverse current, internal fault, overs current, no voltage. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है that is internal fault. MCQ number 22, if in an RLC series circuit, the frequency is below the resonance frequency, then XC will be equal to XL, XC will be less than XL, XC will be greater than XL, none of the above. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज XC will be greater than XL, क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इट मीन्स XC will be greater than XL. MCQ number 23, that is when a rectangular voltage waveform is applied to a capacitor, the waveform of its charging current is sinusoidal, sawtooth, rectangular, none of the above. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेक्टेंगुलर. MCQ नंबर 24, दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय टू मेटालिक स्फीयर रेज टू द सेम पोटेंशियल इज 6. द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 6, 16, 36, 76. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 36. MCQ नंबर 25, इन एन RL सीरीज AC सर्किट, द करंट इज ऑलवेज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, ऑलवेज लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, ऑलवेज लीड द अप्लाइड वोल्टेज, नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑलवेज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सिस्टम बेसिकली बिकॉज ऑफ कपलिंग फोर्स फ्रैक्शन स्टोर्ड एनर्जी. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टोर्ड एनर्जी. MCQ नंबर 27, इन ए क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज 0, यूनिटी, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज यूनिटी. MCQ नंबर 28, इन ए न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड बाय मेटालिक स्ट्रिप, एक्सटेंशन ट्यूब, रिस्ट्रिक्शन वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिस्ट्रिक्शन वॉल्यूम कॉम्बिनेशन. MCQ नंबर 29, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टे द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, करंट. तो दैट इज ऑब्वियसली करंट. MCQ नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम इज 1, 2, 3 नॉट ए वैलिड सिस्टम. तो दैट इज बेस 16 में भी आता है 1, 2, 3, बेस 10 में भी 1, 2, 3 आता है, बेस 8 में भी 1, 2, 3 आता है, बेस 3 में 0 to 1 आता है, 0 to 2 आते हैं. तो बेस 3 विल बी लाइक ये हमारे पास वैलिड नंबर नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. MCQ नंबर 31, दैट इज यूज ऑफ बंडल कंडक्टर काज द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर कोरोना फॉर्मेशन टू डिक्रीज, टू इंक्रीज, टू रिमेन अनअल्टर्ड, डू नॉट एग्जिस्टेंट. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टू इंक्रीज. एक्चुअली इट विल इंक्रीज द क्रिटिकल वोल्टेज, दैट्स व्हाई वी यूज बंडल कंडक्टर्स. ओके, ताकि हमारे पास क्रिटिकल वोल्टेज
जो होता है दैट इज दैट वोल्टेज, क्योंकि जिस वोल्टेज के बाद आपका कोरोना इफेक्ट आएगा तो उस वोल्टेज को वो इंक्रीज कर लेते हैं. ओके एसक्यू नंबर 32, इफ ए टेस्ट लैम्प लाइट अप व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर एंड ए सूटेबल डीसी सप्लाई, इट्स क्लियरली शो दैट द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, फुली चार्ज, फुली डिस्चार्ज, ओपन सर्किटेड. तो इसमें आप जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किटेड. क्वेश्चन नंबर 33, द टाइप ऑफ बाईपास कैपेसिटर दैट वर्क बेस्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी इज इलेक्ट्रोलाइट, मेका, सिरेमिक, प्लेक्सी ग्लास. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, मेका. ओके जनरल पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड. इन विच ईयर डिड द चेर्नोबिल डिजास्टर हैपन, दैट इज 1985, 1986, 1987, 1988. तो इसमें आप जो 1986 है दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 36, दैट इज हाउ मच एरिया ऑफ अंटार्क्टिका इज कवर्ड विद आइस, 94%, 96%, 98%, 100%. तो इसमें आप जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 98%. एमसीक्यू नंबर 37, इंडोनेशिया हैज अबाउट डैश आइलैंड, 13,000, 15,000, 17,000, 19,000. तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन है 17,000. एसक्यू नंबर 38, विच एज वॉज प्रेफर्ड फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 40 years, 45 years, 50 years, 55 years. जिसमें आपके पास 40 years दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. एसक्यू नंबर 39, दैट इज देयर आर डैश रुकोस इन द होली कुरान, 548, 558, 568, 578. जिसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 558. एसक्यू नंबर 40, द प्रोसेस एट द मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम आर कॉल्ड इंटरफेस, डेटा फ्लो, ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल पैरामीटर्स. तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फंक्शनल पैरामीटर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. अच्छा इसमें काफ़ी वो कुछ डेंजरस टाइप का ये टेस्ट था, क्योंकि इसमें ओनली 40 एमसीक्यूज उन्होंने दिए थे और सबसे डेंजरस पोर्शन जो था वो यही जनरल पोर्शन था, इसमें ओनली 7 एमसीक्यूज इंक्लूड थे. तो इस 7 एमसीक्यूज में आपने 50% को क्लियर करने हैं. तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके काफ़ी वोट उन्होंने टॉप किया होगा जनरल पोर्शन में, लेकिन उनके ये पोर्शन जो होगा ये फेल होगा. लाइक इसमें अगर आपके 4 एमसीक्यूज सही हो गए तो आपका ये पोर्शन क्लियर होगा, अदरवाइज आपका ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा. तो ये पोर्शन जो था ये जनरल पोर्शन ये काफ़ी डेंजरस पोर्शन था और ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल भी था. तो इसमें लाइक मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जॉब्स जो होती हैं ये सारे किस्मत पे डिपेंड करती हैं. लाइक आपने के मार्क्स इसमें कम आ गए तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये किस्मत का खेल होते हैं. इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी, दिन रात एक करके वो सारे एमसीक्यूज को कवर किया होगा. सो ये इसमें जो लक होता है ये काफ़ी मैटर करते हैं जॉब के हवाले से. आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके क्लास में ऐसे क्लास फेलोज भी होंगे जिनके जो बैक बेंचर्स होंगे जिनकी जीपीए इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो आज काफ़ी अच्छी सीट्स पे होंगे. लेकिन आपने इस पर इस तरह नहीं करना कि बस पीछे हट जाओ और हैंड्स अप हो जाओ. आपने मेहनत करनी है और अपनी मेहनत को जिस तरह आपने पास्ट फ्यू डेज में मेहनत की है तो उसी तरह आप इस मेहनत को जारी रखो. तो इंशाल्लाह एक दिन आपका भी आएगा जब आपकी सिलेक्शन होगी और आप फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करते जाओगे जिस तरह आपके सक्सेसफुल क्लास फेलोज ने स्टेटस अपडेट किए हैं. तो इस तरह एक दिन इंशाल्लाह आप भी इस तरह फेसबुक पे अपना स्टेटस दोगे और लोगों से कंग्रेचुलेशन रिसीव करोगे. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज़.